आप देख रहे हैं अमेज नाउ। सनातनी हिंदू धर्म में देवी दुर्गा को शक्ति और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। पूरी दुनिया में बंगाल ही एक ऐसा राज्य है जहां देवी दुर्गा की आराधना बड़ी ही सुंदर और पवित्र भाव के साथ की जाती है। हेलो सर, बढ़िया एकदम फर्स्ट क्लास। कब से आप कर रही हैं ये? मेरे को 4-5 साल हो गए यहाँ पे। और हमेशा तो यहाँ पे गरबा और ये सब होता था, इस बार हम लोगों ने कुछ नया सीखा, ढिंचक डांस, जस्ट लाइक ढिंचक डांस और दिए वाला और ये सब, और बाकी तो आप देख ही रहे हैं। डांस इज माई पैशन, सो टाइम निकाल के यहाँ हम लोग आ जाते हैं। एक घंटा यहाँ पे जितना रिलैक्स होते हैं हम लोग, मतलब बहुत ज्यादा है, चार्ज हो जाते हैं, हम लोग की बैटरी चार्ज हो जाती है। पढ़ाई के समय में सर कोऑपरेट करते हैं हम लोग के साथ, जैसे बच्चों की पढ़ाई होती है या कुछ होती है तो फिर यहाँ पे कोऑपरेशन बहुत होता है, कोऑपरेट करते हैं एक दूसरे के साथ। जी जी, नहीं बिल्कुल नहीं, ये जो आप मुझे यहाँ देख रहे हो ये सर की मेहरबानी है, जो 5-6 सालों में हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। मतलब इवन पहले ये कंडीशन थी कि मैं खड़ी भी नहीं हो पाती थी जी, और गोरखपुर डांस क्लास के जरिए से हम लोग सब बहुत आगे बढ़े हैं। अब आप 18 को आइएगा रिगालिया में, आप खुद देखिएगा कि हम लोगों ने कितना सीखा है, क्या किया है। पूरे एक माह तक चलने वाले इस पर्व को मनाने की परंपरा अब पूरे देश में ही नहीं बल्कि विश्व में पैशन बन गया है। बंगाल में नवरात्रि के दौरान सिंदूर खेला एक महत्वपूर्ण परंपरा है जो देवी दुर्गा की शक्ति और सौंदर्य का प्रतीक है। मैंने कथक का कोर्स किया 6 साल का, अभी सर से अभी 2 जुलाई को पूरा हुआ जी। हाँ, और मेरे हाईएस्ट मार्क्स थे। अच्छा, आप गोरखपुर से हैं? गोरखपुर से हैं, यहीं राजेंद्र नगर है, बसंत प्लेस से थोड़ा सा आगे। इस तरीके से जो नवरात्र के दौरान ये शुरू होता है गरबा डांडिया, तो इसमें आप सबसे सही होना शुरू किए? 3 साल हो गए, 3-4 साल से। हाँ, हाँ बस सीखा, बहुत बचपन से मन था, नहीं उस समय सीख पाया, इस समय मैंने सर से कहा कि सिखाएंगे बिल्कुल, तो फिर शुरू से सीखना, फिर सेकेंड ईयर से एग्जाम देते हैं और इस साल 2 जुलाई को प्रभाकर हो गया। गरबा की क्या तैयारी कर रखी है? क्या रखी है गरबा की, क्या तैयारी कर रखी है, कैसे करना? बस सर ने जैसे हम लोगों को गाइड किया है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग कर रहे हैं। इस बार थोड़ा सा उन्होंने चेंज किया हुआ है, पहले सिर्फ होता था कि डांडिया ही होता था, इस बार उन्होंने आरती, फिर उसके बाद डांडिया, फिर दीप, फिर सिंदूर खेला, इस क्रम से उन्होंने चारों चीजों को रखा हुआ है। तो अब जो है
उस तरह से होगा। मेरे ख्याल कि आपको देख के बहुत सारे लोग, बहुत सारी महिलाएं इंस्पायर होती हैं और आने के, और शायद इसी वजह से इतनी भीड़ भी है। नहीं, सबके अपने अपने इंटरेस्ट हैं। और मुझे है ही, जब तक पैर वैर ठीक रहेगा चल सकते हैं, कर सकते हैं, करती रहूं। ये खेला महिलाओं के बीच बहुत ही लोकप्रिय है, जो नवरात्रि पर्व के 9 दिन और विजयदशमी के दिन एक दूसरे के चेहरे पर सिंदूर लगाती हैं। हेलो, कैसी हैं आप? एकदम ठीक। हाँ, क्या चल रहा है? इस समय हम लोग गरबा डांडिया की तैयारी में लगे हुए हैं, और इस बार थोड़ा नया पैटर्न रखा गया है। माँ की आरती धनुची से करेंगे और डांडिया करना है, उसके बाद सब लोग एक साथ मिलके गरबा करेंगे। ये डांस का कब से शुरू हुआ ये फैशन? डांस का 8-9 साल करीब हो गए हैं। हाँ, और पहले तो हम लोग दो लोग मिलके शुरू किए थे, तो इसमें कोई प्रोफेशनल नहीं था, हम लोग अपने लिए शुरू किए थे, लेकिन माउथ टू माउथ कन्वर्सेशन होती गई, सब लोग जुड़ते गए। हाँ, इसका ये मतलब नहीं था कि हम सेंटर खोलेंगे या चलाएंगे, बस अपने लिए शुरू किए थे, लेकिन एक से एक जुड़ते गए तो एक परिवार जैसा हो गया और इंस्टीट्यूट बन गया। हाँ, इसलिए कि अगर हम कुछ चाहते हैं अपने मन वाली तो कर ही लेते हैं, और इसमें सबकी रुचि होती है गरबा डांडिया में। इस परंपरा के पीछे विचार ये है कि सिंदूर देवी दुर्गा के आशीर्वाद का प्रतीक है, जो सुख समृद्धि और खुशी का प्रतीक है। मेरा नाम रुचि अग्रवाल है जी। हाँ, इस मंदिर को आपने कब ज्वाइन किया? हम लोग 2016 से जुड़े हैं यहाँ पे इस क्लास में। अच्छा, आपकी पढ़ाई के समय में भी क्या डांस ऐसे ही कर लेते थे? बहुत मेरा पैशन है डांस, मेरी हॉबी है डांस, छोटे से ही डांस। हाँ, सर ने पॉलिश बहुत किया हम लोगों के डांस को, बहुत नया लगता है। हर चीज नया ही सीखने को, गोरखपुर में 50 जगह डांस हो रहे होंगे, लेकिन हम लोग सिर्फ सर का ही वेट करते हैं कि सर का जहाँ भी जब होगा स्टार्ट। इस बार सर ने थोड़ा लेट स्टार्ट किया, तो हम लोग वेट कर रहे थे कि नहीं अगर ज्वाइन करेंगे तो सर का ही करेंगे। अरे सर बहुत काम होता है, लेकिन सर के लिए हम लोग पूरे दिन खाली अपने आप को इतना अच्छे से मैनेज करते हैं। डिनर की प्रिपरेशन हाफ डन करके आते हैं हम लोग, ऑलमोस्ट आधा काम करके आते हैं। और इस बार तो सर कितने नए नए फॉर्म सिखा रहे हैं बंगाली डांस, जो कि हम लोगों के कल्चर का है ही नहीं, बट हम लोग को सीखने के लिए हमें बहुत एक्साइटेड है। घरों में इन्वॉल्व होते हैं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल है, बहुत सपोर्टिव है, उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, तब भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। गरबा की हम लोगों ने, सब लोगों ने अपने अपने लहंगे या साड़ी सब अपनी अरेंज कर ली है, सब मेकअप के लिए बड़े एक्साइटेड है कैसे करना है। सब कुछ सर के ऊपर है, सर का गाइडेंस इतना अच्छा रहता है हम लोगों के ऊपर कि हम सब स्टूडेंट इनके फैन हैं। थैंक्स टू राहुल सर, थैंक यू। जब महिलाएं एक दूसरे के चेहरे पर सिंदूर लगाती हैं, तो वे देवी की शक्ति और कृपा को अपने जीवन में आमंत्रित करती हैं। चल रही है, सब लोग काफी मेहनत कर रहे हैं, सब लोग।
जी यहाँ से 7 साल। हाँ जब हम लोग ज्वाइन किए क्लास तो मुझे कुछ भी नहीं आता था, मतलब मुझे खड़ा होना भी नहीं आता था, लेकिन सर बोले आप रेगुलर रहेंगे क्लास आएंगे तो बिल्कुल आएगा, तो मैंने क्लास ज्वाइन कर लिया और तब से मैं रेगुलर रहती हूँ। और सर बहुत अच्छा मेहनत करते हैं, बहुत अच्छे से सिखाते हैं, टाइम निकाल लेते हैं अपने लिए और टाइम निकाल लेते हैं कि हाँ कि करना है कुछ अपने लिए, नहीं परेशानी थोड़ी बहुत तो हो ही थी लेकिन हम लोग एडजस्ट कर रही है कि नहीं चलो कुछ करना चाह रही है तो उसको मतलब इंकरेज करें। इस बार वो बंगाली जो पूजा होती है वो नया है और आरती एक दिए की आरती वो सर नया सिखाए हैं, गरबा डांडिया ये सब तो है ही है, सिंदूर खेला है एक नया कुछ हम लोग कर रहे हैं इस बार। सिंदूर खेला के अलावा बंगाल में नवरात्रि के दौरान कई अन्य परंपराएं और उत्सव भी होते हैं जिनमें दुर्गा प्रतिमाओं और पांडालों की भव्य सजावट, घुनुची नृत्य और पुष्पांजलि अर्पण शामिल है। तैयारी हम लोग की चल रही है कि हर बार हम लोग लहंगा पहन के डांडिया करते थे, इस बार हम लोग का बंगाली का प्रोग्राम है तो हम लोग साड़ी वगैरह की व्यवस्था किए हैं, बंगाली साड़ी पहन के हम लोग इस तरह का डांस करेंगे। हाँ हम लोग बंगाली ड्रेस में पर हम लोगों का मिक्स है, सारा कुछ एक ही में है, 5 गानों का हम लोग का मिक्स है, उसमें हम लोग सब कुछ टाइम निकालना पड़ता है, घर में बच्चे हैं पर भी पूजा इस समय पूजा चल रही है फिर भी छोड़ के हम लोग यहाँ आते हैं। बंगाली संस्कृति की समृद्धि और विविधता को दर्शाती है और यही विविधता अब धीरे धीरे भारत के कोने कोने में अंगीकार की जाने लगी है। हेलो कैसी हैं आप? अच्छी हूँ सर, बहुत अच्छी हूँ। ये मैं कम से पिछले साल थी और ये दूसरा साल है मेरा इसमें। जी मैं डांस करती थी, पहले से करती थी डांस, मुझे आता भी था, मैं करती थी और बहुत मेरा इंटरेस्ट है डांस करने में। हम लोग डांडिया करेंगे इस समय, डांडिया करने का सबका विचार है, हम लोग का डांडिया करेंगे और अच्छा लगता है नवरात्र में हम लोग को ये सब करना और हम लोग बहुत अच्छे से तैयारी भी कर रहे हैं, अच्छा से अच्छा हम लोग इस तरह का प्रोग्राम कर रहे हैं। नवरात्रि का पर्व और डांडिया गरबा नृत्य ना हो ऐसा संभव नहीं। मैं यहाँ पहली बार आई हूँ, सर ने मुझे डांस सिखाना सिखाया, मुझे कुछ भी नहीं आता था, मुझे पैर चलाना भी नहीं आता था, बस सर ने हमें बहुत बहुत सपोर्ट किया, मुझे बहुत अच्छा यहाँ पे परिवार मिला, मैं बहुत खुश हूँ। एवं इतना कि मैं थोड़े से घर के काम छोड़ के यहाँ भाग आती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं आगे भी इसी को ज्वाइन करती रहूँगी और ये कार्यक्रम हमारा बहुत बहुत शानदार है, बहुत शानदार है। एवं मैं दिन का खाना भी नहीं खाती हूँ, मैं दूर से आती हूँ तो मुझे बहुत 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 अच्छा लगता है। जय झूलेलाल। महिलाएं इसकी तैयारी काफी पहले से करती हैं और नृत्य का अभ्यास भी शुरू कर देती हैं। उसी का राज हमारे सर है जो आज यहाँ पे गरबा करा रहे हैं और गरबा करने में हमको बहुत अच्छा लग रहा है और यहाँ पे गरबा हो रहा है, सिंदूर खेला हो रहा है, झुमकी हो रहा है, ये सब और बंगाली प्रथा यहाँ पे हो रहा है तो दिवाली का भी हो रहा है हम लोगों का, तो सब अच्छा से हो रहा है, हम बहुत खुश हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। गोरखपुर डांस क्लब के बैनर तले दर्जनों महिलाओं का समूह डांडिया और गरबा का अभ्यास करता नजर आ रहा है। मैं यहाँ 4-5 साल से हूँ, यहाँ 4-5 साल से चर्च से जुड़ी हुई हूँ, यहाँ पे सभी लोगों से बिल्कुल फैमिलियर है यहाँ के सभी लोग और ये मतलब गरबा हर साल
हम लोग बहुत अच्छे थे। जैसे एक फेस्टिवल अपने घर का मनाते हैं, वैसे ये मिलके हम सारे लोग मनाते हैं। यहाँ पर पूरी बंगाली तरीके से, बंगाली जैसे होते हैं कल्चर, वैसे ही हम लोग यहाँ पे उसी तरह का ड्रेसअप पहनेंगे, बंगाली साड़ी उसी तरह के पहन के धुनांची डांस करेंगे, माता की आरती उतारेंगे और गरबा होगा, डांडिया होगा। पहले से बिल्कुल नहीं आता था, यहाँ पे आपको जितने भी मिलेंगे जिसको नहीं आता था वही यहाँ पर आए हुए हैं और सर ने सबको सिखा दिया। एक बात और सर से बताइए, घर वाले नाराज नहीं हुए? घर वाले नाराज नहीं हुए, लेकिन हाँ जैसे कि डेली आना, 4-5 साल से लगातार आना, तो थोड़ी दिक्कतें तो हो जाती है घर में आना, वो भी दोपहर के समय समय निकालना, तो थोड़ा दिक्कत हो जाता है, लेकिन फिर हम मैनेज कर लेते हैं, घर के कामों को करके फिर निकल के चले आती हूँ। मैं हाउस वाइफ हूँ। कोरियोग्राफर राहुल राय ने बताया कि बंगाली समाज द्वारा की जाने वाली दुर्गा स्तुति पर आधारित हमारा अभ्यास चल रहा है। नमस्कार, हम लोग का जो इवेंट है वो 18 को है और हम लोग तो इस बार हर साल से कुछ चेंज कर रहे हैं और इस बार हम लोगों ने पूरे फेस्टिवल को एक तरह से हम लोगों ने कवर करने की कोशिश की है। जैसे कि इस बार हम लोग पश्चिम बंगाल के डांस को दिखा रहे हैं, साथ ही साथ गुजरात गरबा इसकी भी तैयारी दिखा रहे हैं, दिवाली भी सेलिब्रेट करेंगे और हम लोग का फ्लेवर जो रहेगा वो टोटल आपका रहेगा पश्चिम बंगाल और साथ साथ जो हमारे यहाँ के लोग भी आएंगे बिल्कुल उसी परिधान में मिलेंगे आपको वहाँ पे, ताकि जब लोग आएंगे तो फ्लेवर अलग मिलेगा कुछ शहर में। बिल्कुल बिल्कुल, पूरा फ्लेवर हमारा जो रहेगा पश्चिम बंगाल का रहेगा, हमारे यहाँ ड्रेस कोड से लेकर के सब कुछ, जैसे जो भी चीज़ें हम लोगों ने फ्लेवर ही रखा है बिल्कुल पश्चिम बंगाल का। जैसे हम लोग क्या है कि विजयदशमी को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, माँ की सेवा करते हैं, बिटिया घर पे आती है, उसी तरह से हम लोग इस चीज़ को पूरे कार्यक्रम को हम लोग इन्जॉय करेंगे। और हम लोग का सबसे स्पेशल जो रहेगा इस बार वो रहेगा सिंदूर खेला, बंगालियों के यहाँ पे होता है, तो वो हम लोग उसको बड़े इन्जॉय के साथ सब चीज़ों के साथ साथ इसको इन्जॉय करेंगे और साथ साथ हमारे यहाँ जो गेस्ट भी आएंगे वो भी इसका इन्जॉय करेंगे, इसको आनंद लेंगे इसके साथ और कार्यक्रम हमारा ऐसा चलता रहेगा। हम लोग का रिहर्सल इसमें चल रहा है आपका कूड़ा घाट पे चल रहा है, बसंत क्लेव है, ये हमारा सेंटर है राजेंद्र नगर। हमारा बस मेन एम रहता है कि परिवार के लोग हमारे साथ जुड़े और ये कार्यक्रम पारिवारिक रहे हमारे यहाँ जो। हाँ, हम लोग टोटल हमारे पार्टिसिपेट प्रेजेंट टाइम में इसमें 45 से ऊपर है, लेकिन हम लोग जो है स्ट्रेंथ इतना ही रखते हैं, बाकी जो हमारे पास जो लोग आएंगे वो केवल और केवल फैमिली के लोग आएंगे, ताकि हमारे फैमिली के लोग थोड़े सेफ रहें, उनको भी अच्छा लगे कि हम अच्छे जगह पे खड़े हैं और उनकी सेफ्टी के हिसाब से उनकी परिवार के नजरिए से इस कार्यक्रम को हम लोग कराते हैं, हर साल कराते हैं। नृत्य कर रही इन महिलाओं का अभ्यास जब इतना सटीक और समर्पित है तो रेगाइया रिजॉर्ट में होने वाला फाइनल का अंदाज आप लगा सकते हैं। बने रहिए अमेज नाउ के साथ। आप देख रहे हैं अमेज़ नाउ।